अमर रहेगा युगो युगो तक, हरदौल कुंवर मत वाला। और सच्चाई की खातिर जिसने पिया जहर का प्याला, तो जब तक सूरज चांद सितारे है गंगा में पानी, तब तक हीरा हरदौल लला की गाए जगत कहानी। बंधुओं, विश्व की ऐतिहासिक परंपराओं में बुंदेलखंड की ऐतिहासिक परंपराओं को सर्वोच्च गौरव प्राप्त है, जिसकी वीर प्रसौनी एवं रत्न गर्भा भूमि ने अनेक बिरली विभूतियों को जन्म दिया है। ऐसी ही वीर भूमि ओरछा, जिसे बुंदेलखंड का हृदय कहा जाता है, जो सदैव से बुंदेलखंड नरेशों की राजधानी रही है। तो श्रोता बंधुओं, सुनिए कि ओरछा भूमि कैसी भूमि है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम स्वयं अयोध्या से चलकर ओरछा में आकर विराजे। अरे देवों में बड़े हैं श्री राम के सुमरन कर लो, आके ओरछा विराजे श्री राम राम राम, आके ओरछा विराजे श्री राम राम राम, ऐसी पावन बुंदेली है धाम धाम धाम। देखिए आप कैसे के पावन भूमि बुंदेली प्यारी, आन बान एहसान हमारी, बांका मंदिर चतुर्भुजी महान के दर्शन कर लो, सारे देवों में बड़े हैं श्री राम के सुमरन कर लो। और बंधुओं, यही इसी ओरछा में आके ओरछा विराजे श्री राम राम राम, ऐसी पावन बुंदेली है धाम धाम धाम। पैदा हुए हरदौल बुंदेला, त्यागी परम वीर अलबेला। कैसे हुए यहाँ हरदौल, पी के विष को किया है जग में नाम के दर्शन कर लो, सारे देवों में बड़े हैं श्री राम के सुमरन कर लो। सुमरन कर लो रे, अरे कोई वंदन कर लो रे, सारे देवों में बड़े हैं श्री राम के सुमरन कर लो। श्रोता बंधु, इसी ओरछा में महान प्रतापी राजा वीर सिंह जी कुंवर मधुकर शाह का जन्म संवत 1560 में हुआ था, और इनकी रानी का जन्म पौष शुक्ल 14 संवत 1569 में श्री अनिरुद्ध सिंह जी देव परमार करहिया ग्वालियर में हुआ था, जिनका नाम गणेश कुंवर था, कमला देवी इनका नाम था। संवत 1585 अघन शुक्ल पक्ष पांचे गुरुवार को गणेश कुंवरी का शुभ विवाह श्री कुंवर मधुकर साह जी के साथ संपन्न हुआ। महाराज मधुकर साह बंधुओं कृष्ण के परम भक्त थे, और रानी गणेश कुंवर रामलला की अनन्य भक्त थी। संवत 1630 में मधुकर साह व रानी गणेश कुंवर के साथ भक्ति पक्ष संबंधी सत्संग चल रहा था। बातों ही बातों में यह तय हो गया कि जो अपने आराध्य को साक्षात प्रकट करके ओरछा में लाएगा वही सच्चा भक्त माना जाएगा। बंधुओं, यह राजा रानी दोनों के बीच की बात। फिर क्या था, रानी ने अयोध्यापुरी को प्रस्थान कर दिया, और लक्ष्मण किला के पास
अयोध्या में सरयू के किनारे तपस्या करने बैठ जाती। एक महीना बीतने पर भी जब प्रभु का दर्शन नहीं हुआ तो रानी 12 बजे रात्रि को प्राण त्यागने हेतु सरयू में कूद जाती। उसी समय भगवान श्री राम बालक अवस्था में बाल रूप में रानी की गोद में आ जाते हैं। इसीलिए तो कहा है बंधुओं, क्यों के बैठे जिनकी गोद में मोद मान विश्वेश और कौशल्या सानी भई रानी कुंवर गणेश। यहां बंधुओं, यहां बुंदेलखंड में ऐसी ऐसी विभूतियों ने आकर जन्म लिया है। यह बुंदेलखंड ऐसी भूमि है, कहा है के चित्रकूट और छा कालिंजर उन्नाव तीर्थ और पन्ना खजराहो की कीर्ति झुक झूमी है और जमुन पहुज सिंध बेत वाधसान केन मंदाकिनी पयस्वनी प्रेम पाय घूमी है। वीर सिंह देवराव चंपतरा छत्रसाल और देव तुल्य हरदौल दिमान चित चूमी है सो अमर आनंदनी असुर निकंदनी बंदनी विश्व में बुंदेल खंड भूमि है बंदनी विश्व में बुंदेल खंड भूमि है। तो श्रोता बंधुओं, इन्हीं के सुपुत्र श्री वीर सिंह जू देव हुए जो राज सिंहासन पर आसीन हुए। इनकी दो रानियां थी, बड़ी रानी से कुंवर जुझार सिंह और बेटी कुंजावती जो दतिया में ब्याही गई थी, और छोटी रानी से 11 पुत्र पैदा हुए जिनमें हरदौल सबसे बड़े थे। हरदौल का जन्म संवत 1665 में हुआ था। संवत 1682 में महाराज वीर सिंह जुदेव की मृत्यु के बाद कुंवर जुझार सिंह राज सिंहासन पर विराजे और कुंवर हरदौल दीवान के पद पर नियुक्त हुए बंधु। तो बंधुओं, यहीं से शुरू होती है बुंदेलखंड की अमर गाथा हरदौल का भाग। हरदौल बंधुओं बचपन से ही नेक स्वभाव और अटूट ताकत के धनी रहे, इसीलिए समूची जनता को अति प्रिय थे। कुंवर हरदौल की लोकप्रियता एवं जनाधार देखकर मुगल शासक शाहजहां ने हरदौल को रास्ते से अलग करने का षड्यंत्र रचा और इसको अंजाम देने की जिम्मेदारी अपने एक भरोसेमंद गुप्त जासूस हिदायत खां को सौंप दी। हिदायत खां अब एक उचित मौके की तलाश में रहने लगा और मौका पाकर जुझार सिंह से हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। जुझार सिंह ने कहा, कहो क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? कहा कि महाराज बात कुछ ऐसी है कि अगर ना कहें तो अच्छा है। जब हिदायत खां की ऐसी बागपटुता से जब जुझार सिंह ने बागपटुता से जुझार सिंह ने सुना, जुझार सिंह कहने लगे, अरे तुम रुक क्यों गए हो, तुम्हें क्या चिंता है, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, अरे जो तुम्हारे मन में बात हो वह कहो। तो फिर हिदायत खां ने अपनी बागपटुता से इस प्रकार कहा कि महाराज हरदौल का इस तरह महलों में अकेले रहना ठीक नहीं। अब इतना जैसे ही हिदायत खां ने कह दिया जुझार सिंह से, अब तो कहा कि महाराज और कुछ मैं कह नहीं सकता और कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर है क्या के प्रीत देवर भाभी की देखो क्या रंग लाई है, प्रीत देवर भाभी की देखो क्या रंग लाई है और छेद करना थाली में खाके बेवफाई है, छेद करना थाली में खाके बेवफाई है। आप कह दिया यहां हिदायत खाने, आपने पाला पोसा महाराज, जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया
आपने पाला पोसा रखा पलकों पे हरदम, मगर वह आत्मघाती नीच हर दौल बेशरम पीठ के पीछे, पीठ के पीछे अरे कैसी छुरी चलाई है, छेद करना थाली में खाके बेवफाई है। कहा कि महाराज वैसे हरदौल और चंपा मानता माँ का रिश्ता बना फिरता है फरिश्ता, किया है काम घिनौना वया में कर नहीं सकता, माफ गुस्ता की करना आप इंसाफ करना, गुना है खून पर भी हीरा विश्वास करना। आजकल तो महाराज किसी पर विश्वास करना ठीक बात नहीं, ऐसा कहा हिदायत खान महाराज। पुत्र बत चाहते जिसको वो बना कसाई है, पुत्र बत चाहते जिसको वो बना कसाई है। रानी ने कहा कि महाराज वह तलवार तो हरदौल कुंवर के पास है, अब तो जुझार सिंह का संदेह विश्वास में तब्दील हो जाता है, और आंखें लाल पीली कहकर कहने लगा रानी से कि तूने लगाया दांव ईमान ही नहीं, ईमान ही नहीं।